आज के दौर में सियासत और राजनेताओं को जनता बेदर्द और मतलबी समझती है। काफी हद तक ये बात सच भी है, लेकिन राजनीति की इस अंधेरी गलियों में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कि उम्मीद की रोशनी दिखाते हैं। ऐसे नेता जिन पर जनता न केवल भरोसा करती है बल्कि उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानती है। ऐसे नेता रोज जन्म नहीं लेते। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आम जनता के बीच कुछ इसी तरह की ख्याति हासिल है। अपने लोगों के बीच दादा के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का आज जन्मदिन है। सियासत में नरोत्तम से सर्वोत्तम बनने का उनका यह सफर आसान नहीं था। आज हम आपको मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र के इसी सफर की झलक दिखाएंगे। नरोत्तम मिश्रा का जन्म 15 अप्रैल 1960 को ग्वालियर में हुआ। उनके पिता का नाम डॉक्टर शिवदत्त मिश्रा है। बचपन से ही बालक नरोत्तम का मन ऐसे मुद्दों पर उद्वेलित होता रहा जो कि जनता से सीधे जुड़े थे। समाज में फैली बुराइयां और बदलते सियासी घटनाक्रमों पर किशोर अवस्था में ही नरोत्तम की आवाज प्रखर होने लगी। युवावस्था आते आते नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखने लगे। जेपी आंदोलन में भी नरोत्तम मिश्रा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। छात्र जीवन में ही राजनीति में सक्रिय हुए नरोत्तम मिश्रा साल 1977 से 78 में जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के छात्र संघ के सचिव बन गए। इसके बाद तो जैसे उन्होंने राजनीति को ही अपना सब कुछ देने का फैसला कर लिया। साल 1978 से 80 में मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। नरोत्तम मिश्रा 1985 से 87 में मध्य प्रदेश भाजपा की प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसे राजनीति के सफर में बड़े पड़ाव कहा जा सकता है। साल 1990 में नरोत्तम मिश्रा पहली बार विधायक बने। इसके बाद तो जैसे जनता ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को अपना स्थायी प्रतिनिधि चुन लिया हो। साल 1998 में दूसरी बार, 2003 में तीसरी बार, 2008 में चौथी और 2013 में पांचवी बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 1 जून 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद डॉक्टर मिश्रा को 4 दिसंबर 2005 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में भी मंत्री के रूप में शामिल किया गया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 28 अक्टूबर 2009 को एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई गई। दतिया विधानसभा क्षेत्र से 2013 में सदस्य चुने जाने के बाद 21 दिसंबर 2013 को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इतने लंबे सियासी सफर के दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जनता से कभी सीधा संवाद नहीं छोड़ा। जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आए। सियासी उठापटक और गिरावट को भी उन्होंने ना केवल देखा बल्कि उसके भुक्तभोगी भी रहे। लेकिन सियासत की दलदल में भी कमल खिलाने का उनका जुनून नरोत्तम को कब सर्वोत्तम बना गया इसे शायद वक्त के सिवा किसी ने नहीं देखा। आज नरोत्तम मिश्रा ना केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बल्कि अपनी पार्टी बीजेपी, पीएम मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के भी बेहद भरोसेमंद सिपह सालार है। नरोत्तम मिश्रा का नाम उन चंद सियासतदानों में भी शामिल है जिन्हें उनके विरोधी भी निजी तौर पर पसंद करते हैं। यारों के यार कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा अपने करीबियों के बीच दादा के नाम से भी मशहूर है। और हाँ, अपने पोते के भी अब वो दादा बन गए हैं। इस लंबे सफर के एक और पड़ाव यानी 15 अप्रैल को उनका जन्मदिन है। सियासत में आगे चुनौतियां जरूर है, लेकिन राजनीति के साथ समाज सेवा करना और कमजोरों को अपना हक दिलाने की उनकी ये मुहिम हमेशा जारी रहेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। दादा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इंडिया फर्स्ट की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे दादा।